फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने सोमवार देर रात अपनी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत से तलाक लेने का ऐलान किया, जिससे उनके चाहने वाले हैरान रह गए। धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या शादी के 18 साल बाद एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दोनों ने अपने तलाक की जानकारी दी। कहा जा रहा है कि इस बात से ऐश्वर्या के पिता सुपरस्टार रजनीकांत को गहरा दुख पहुंचा है। तो वहीं धनुष और ऐश्वर्या के तलाक के बाद ऐश्वर्या बेहद चर्चा में है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों हुआ दोनों का तलाक और कौन है ऐश्वर्या रजनीकांत। जानेंगे ये भी कि दूसरी बेटी के तलाक के बाद रजनीकांत की क्या हालत है। धनुष और ऐश्वर्या ने 2 साल की डेटिंग के बाद साल 2004 में शादी की थी। शादी से दोनों के 2 बेटे यात्रा और लिंगा हैं। लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। फैंस के लिए ये खबर काफी शॉकिंग रही, लेकिन दोनों के करीबियों के लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। धनुष के एक करीबी दोस्त ने हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि धनुष एक वर्कहोलिक किस्म के इंसान है। जब कभी धनुष और ऐश्वर्या के बीच किसी भी बात को लेकर कहा सुनी होती थी तो धनुष एक नई फिल्म साइन कर लेते थे, जिससे वो इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचे। एक फेल हुए रिलेशनशिप से निकलने के लिए धनुष काम करने का रास्ता चुनते थे, तो वहीं ऐश्वर्या भी खुद को फिटनेस, चैरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीजों में बिजी रखती थी, जिससे धनुष और ऐश्वर्या के दिमाग में अलग होने की बात काफी पहले से ही चल रही थी। दोनों अकेले में रहकर अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते थे, लेकिन दोनों के लिए बच्चे पहली प्रायोरिटी है। भले ही धनुष साउथ के सुपरस्टार हों, पर ऐश्वर्या भी कुछ कम नहीं है। ऐश्वर्या का जन्म 1 जनवरी 1982 को मशहूर एक्टर रजनीकांत और लता रंगाचारी के घर हुआ था। उनकी एक छोटी बहन सौंदर्या है, जो कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने बताया कि धनुष और ऐश्वर्या ने 2004 में शादी की, जिसके बाद उन्होंने 18 साल बाद 17 जनवरी की रात 2022 को अपने तलाक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। बता दें कि ऐश्वर्या एक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर भी हैं। ऐश्वर्या मेगा स्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी हैं। उन्होंने पति धनुष की साल 2012 में आई फिल्म 3 के साथ फीचर फिल्म डायरेक्शन की शुरुआत की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद धनुष ने ये ऐलान किया था कि पत्नी के डायरेक्शन में ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। इस फिल्म में श्रुति हासन और धनुष लीड रोल में थे। ऐश्वर्या डांस कॉम्पिटिशन जोड़ी नंबर 1 के 3rd सीजन में भी बतौर जज नजर आ चुकी हैं। तो वहीं अगस्त 2016 में ऐश्वर्या को संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के लिए भारत की सद्भावना राजदूत के रूप में भी चुना गया था। आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने कुछ 3 महीने पहले ही खुद को प्राउड वाइफ बताया था। दरअसल फिल्म असुरन के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि ऐश्वर्या के पिता रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। ऐश्वर्या ने रजनीकांत और धनुष की साथ में फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट में लिखा, ये मेरे हैं और ये इतिहास रचा गया है, प्राउड बेटी, प्राउड पत्नी। ऐश्वर्या की इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस ने रिएक्ट किया था, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के अलगाव से फैंस काफी दुखी हैं। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसका असर रजनीकांत को भी लगा है, क्योंकि किसी भी बाप के लिए बेटी का तलाक हो जाना एक बड़ा झटका है। हालांकि इससे पहले भी रजनीकांत ये सदमा झेल चुके हैं। 2017 में रजनीकांत की छोटी बेटी और ऐश्वर्या की बहन सौंदर्या का भी तलाक हुआ था। हालांकि तलाक के 2 साल बाद ही सौंदर्या ने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। खैर, अब जब धनुष और ऐश्वर्या अलग हो ही गए हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों आगे खुश रहें और अपने बच्चों को भी खुश रखें। न्यूज़ तक पेरो।